नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका साथ की बात में। सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे, सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम सफर, पंचतत्व में विलीन सिद्धार्थ शुक्ला, ये वो शब्द जिसने ना कोई सुनना चाहता था और ना ही कोई लिखना चाहता था, लेकिन आज ये शब्द सुनने भी पड़ रहे हैं और लिखने भी पड़ रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा के लिए अब उस दुनिया में चले गए जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। वापसी तो छोड़िए, पलट करे का आवाज तक नहीं आती। अब ताकत रखते हैं उस अमिट आसमान को, लेकिन ना वो चेहरा दिखाता है और ना ही वो आवाज सुनाई देती है। सिद्धार्थ भी उसी दुनिया के चमकते सितारे बन चुके हैं। गुरुवार को सिद्धार्थ का निधन हुआ और शुक्रवार को वो पंच तत्व में विलीन हो गए। ओशिवारा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। मां ने कांपते हाथों और नम आंखों से जब बेटे को मुखाग्नि दी तो हर किसी का कलेजा फट गया। सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से संपन्न हुआ। अंतिम संस्कार पर सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार के अलावा उनके जानने वाले इंडस्ट्री के अनेकों दोस्त सभी पहुंचे हुए थे, लेकिन एक चेहरा जिसे देख हर किसी की आंखें और भी नम हो गई, वो थी शहनाज गिल। सिद्धार्थ की मौत के बाद पहली बार शहनाज स्पॉट हुई ओशिवारा शमशान घाट पर, और उन्हें देखकर ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि ये वही शहनाज है जिन्हें अब तक लोगों ने देखा। बिखरे बाल, बदहवास हालत, शरीर में मानो जान ही ना हो। सिद्धार्थ के जाने के बाद शहनाज टूट चुकी हैं और किस कदर वो बताने के लिए ये तस्वीर काफी है। सिद्धार्थ की माँ काफी स्ट्रांग महिला है। पति को खोने के बाद सिद्धार्थ और दोनों बेटियों को उन्होंने अकेले पाला, उन्हें अच्छी परवरिश दी, लेकिन अब उनकी आंखों के सामने उनका बेटा भी चला गया तो भला एक माँ खुद को कैसे संभाले, किसे सहारे जिए वो। ये सवाल सिर्फ सिद्धार्थ के परिजनों के मन में नहीं बल्कि हमारे मन को भी लगातार कोंद रहा है। वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे डेंगू वायरल बुखार की। प्रदेश में डेंगू वायरल और अन्य बुखार के मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। प्रदेश में अब तक डेंगू के 409 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 66 मामले संदिग्ध हैं, जिनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। इसके अलावा 22 मामले ऐसे भी हैं जो अब तक ट्रेस नहीं हो पाए, यानी बुखार की क्लियर वजह साफ नहीं हो पा रही है, इसकी भी जांच चल रही है। अब तक सर्वाधिक 107 डेंगू के मामले मथुरा में सामने आए हैं। इसी तरह वाराणसी में डेंगू के करीब 70 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 66 की पुष्टि हो चुकी है। फिरोजाबाद में डेंगू के करीब 50 मामले सामने आ चुके हैं। कानपुर नगर में 21 मामलों में 13 की पुष्टि हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने बताया है कि जिस तरह कोरोना मैनेजमेंट किया गया, वैसे ही डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों पर भी नियंत्रण किया जा रहा है। निजी अस्पतालों को भी इलाज के लिए चिन्हित किया जा रहा है। सभी जिलों में नोडल अफसर तैनात किए गए हैं। साफ सफाई, इलाज, हर मोर्चे पर काम हो रहा है। फिरोजाबाद में हालात काफी बेहतर हुए हैं। सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को जरूरी दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं। विपक्षियों की तरफ से डेंगू के मामले को लेकर निशाना भी साधा जा रहा है, तो इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनका काम यही है, लेकिन हमें अपना काम करना है। हालात नियंत्रण में रहें और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, वो सुरक्षित रहें, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। बात लखनऊ की करें तो अब तक डेंगू के 84 मामले सामने आए हैं, इसमें से 71 मामले कंफर्म हो चुके हैं, जबकि 13 की पुष्टि होनी बाकी है। लखनऊ में हालात को काबू करने के लिए लगातार अफसर फील्ड पर हैं। वहीं डीएम अभिषेक प्रकाश ने इसे लेकर नगर आयुक्त, सीएमओ, नगर स्वास्थ्य अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने बताया कि सभी अस्पतालों में बेड रिजर्व किए जा रहे हैं। शहर को 40 जोन में बांटकर नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, जिनके 80 रैपिड रिस्पांस टीम बनाई है। प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होम को भी चिन्हित किया गया है। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम को भी लगातार सुनिश्चित कर दिया गया है, उधर से भी काम शुरू हो गया है। तो ये तैयारियां लगातार की जा रही हैं, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों में बुखार ने पूरे उत्तर प्रदेश को अपनी जद में ले लिया है। कई जिले ऐसे हैं जहां से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस बुखार के लक्षण क्या है, आखिर ये बुखार किस वजह से हो रहा है, क्योंकि कई जांच चल रही है, अब तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये मामले वाकई डेंगू के हैं या वाकई मलेरिया के हैं या फिर कोरोना के हैं।
इस पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने बताया कि फैजुलागंज समेत 11 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, अकेले लखनऊ में किए गए हैं। सभी जगह एंटी लार्वा छिड़काव, फॉगिंग, खाली प्लॉट को सफाई करवाना, ये कार्रवाई की जा रही है। दिन में 2 बार कूड़ा उठवाया जाएगा, इसके लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। फैजुलागंज को लेकर नगर आयुक्त का कहना है कि इस इलाके की टोपोग्राफी ऐसी है जहां पानी रुकता है, यहां नियोजित बनावट से समस्या, यहां ड्रेनेज सीवेज का प्रोजेक्ट शासन को भेजा है अगर अमृत योजना के लिए तो परमानेंट समाधान निकल जाएगा, यानी कि योजनाएं लगातार की जा रही हैं, लेकिन हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। आखिर क्यों बार बार ये कहा जाता है कि प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर काम किया जा रहा है, योजनाओं पर काम किया जा रहा है, उन्हें धरातल पर क्यों नहीं उतारा जा रहा है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है। इन दिनों उत्तर प्रदेश के सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ काफी सक्रिय हैं। वो खुद जाके हर जिलों में मुआयना कर रहे हैं, यानी कि जहां जहां पे बाढ़ आए हैं या फिर ये कह सकते हैं जिन जिन जिलों में डेंगू का कहर बरपा है। आज लखनऊ में उन्होंने एक मीटिंग करी है। इस मीटिंग में उन्होंने कहा है कि डीएम अपने साथ यानी कि सारे नोडल अधिकारी को अपने साथ एक बैठक करें और इस बैठक में वो सभी जिलों में जाकर एक सफाई अभियान चालू करें। इसके साथ ही साथ जहां पे जिन जिलों में बाढ़ आए हुए हैं या डेंगू का कहर बरपा हुआ है उन जिलों के साथ बैठ के एक मीटिंग करें और इस मीटिंग करने के बाद जो सक्रिय रिपोर्ट आएगी वो लाकर यहां पे 7 तारीख को सौंपे। यानी कि सीएम अब पूरी तरीके से इस तैयारी में जुट चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर पहले वो देख चुके हैं और इसके साथ ही साथ आप बाढ़ और या फिर डेंगू की बात करें, इन चीज़ों को लड़ने के लिए वो बेहतर से बेहतर तैयार है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रूबी से देखिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो सिविल अस्पताल समेत सभी जगह बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सिविल अस्पताल के सीएमएस और कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर एस के नंदा ने बताया कि हर साल अमूमन डेंगू के मामले अक्टूबर नवंबर में आते थे, लेकिन इस बार पहले ही आ गए हैं। अस्पताल में 17 बेड का वार्ड तैयार है, जबकि मरीज बढ़ने पर 60 बेड तक की तत्काल व्यवस्था की तैयारी है। आगे उन्होंने बताया कि पहले जहां एक दिन में बुखार के 70 से 80 मरीज आते थे, अब 115 से 120 आ रहे हैं। देखिए, जहां एक तरफ प्रदेश में लगातार बुखार के मामले सामने आ रहे हैं, जनता त्रस्त है और लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि जैसे तैसे तमाम सुविधाएं जो हैं लोगों तक पहुंचाई जाए, स्वास्थ्य लाभ जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाए, लेकिन राजनीति भी इस पूरे मामले में कम नहीं हो रही है। एक तरफ डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सपा एमएलसी सुनील सिंह ने ट्वीट में तंज कसा है कि डेंगू अपना विकराल रूप दिखाने लगा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मासूमों की जान लेने के बाद अब पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है। राजधानी के अस्पताल मरीजों से भरने लगे हैं, लेकिन भटक सुन योगी सरकार इस आपदा को भी अवसर बनाने की तलाश में लगा हुआ है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया कहते हैं कि प्रदेश में डेंगू से बच्चों की मौत हो रही है और सरकार आंकड़े छुपाने में लगी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा है कि डेंगू से प्रदेश में हो रही बच्चों की मौत दुखद है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार अस्पतालों में बेड, दवा और जांच के पर्याप्त इंतजाम नहीं करवा पा रही है। फिरोजाबाद के मामले पर कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं है तो सीएमओ हटाने से क्या होगा। ऐसी तमाम जो बातें हैं वो विपक्ष द्वारा की जा रही हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का हाल है, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो तमाम फिरोजाबाद हो। फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा हालात बदतर हैं। पुरजोर कोशिश की जा रही है कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लोगों तक पहुंचाई जाए, लेकिन अस्पतालों में अब भी बेड खाली नहीं है। सबसे ज्यादा ये जो वायरल बुखार है वो बच्चों को अपनी जद में ले रहा है। बच्चे इसका सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं, कई मासूमों की जान चली गई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं अस्पतालों की, आप देख सकते हैं। तो सभी जिलों में नोडल अफसर तैनात किए जाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इस पूरे मसले पर लगातार योगी सरकार मंथन कर रही है। ऐसे में लखनऊ में भी लगातार बैठक की जा रही है अधिकारियों द्वारा। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया है कि हर जिले में नोडल अफसर तैनात किए जाएंगे, यानी कि लखनऊ हो, चाहे फिरोजाबाद हो, मथुरा हो, इन तमाम जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, ताकि इस पूरी जो भी व्यवस्था है, जो भी आपदा है, इस पर नजर रखी जाए और चीजों को व्यवस्थित किया जाए। दवा देना, बेड रिजर्व करना,
सारी तैयारी रखना कि अगर आगे मामले बढ़ते हैं तो फिर अस्पतालों में कितनी संख्या बेड की होगी, तमाम जो सुविधाएं हैं वो सुनिश्चित करना। इसके अलावा फॉगिंग, जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है उस गंदगी को उठवाना, साफ सफाई को दुरुस्त करना, तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि इस बुखार को रोका जा सके, इस वायरल को रोका जा सके। वैसे तो हर साल उत्तर प्रदेश में डेंगू और मलेरिया के तमाम मामले सामने आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से ये वायरल बुखार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश जी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। हरीश जी, लगातार जो बुखार है, वायरल बुखार, फिरोजाबाद के हालात किसी से छिपे नहीं हैं, मथुरा हो चाहे तमाम जिले हो, यहाँ पर मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिश का असर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? देखिए, ये बरसात के मौसम में अमूमन इस तरह के जो डिजीज हैं वो प्राय सामने आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी फिरोजाबाद का स्वयं जाकर के अस्पताल में निरीक्षण किया था और बच्चों का हालचाल जाना था, और डॉक्टरों की, विशेषज्ञों की टीम, आईसीएमआर की टीम ऐसे फिरोजाबाद में वहां कैंप कर रही है, और सभी ऐसे जगह पे हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। लगातार नोडल अधिकारी तो नियुक्त कर दिए गए हैं, चलिए ठीक है, आपने सारी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि ये वायरल बुखार पहली बार आया हो। डेंगू मलेरिया लगातार उत्तर प्रदेश में फैलता है, तमाम जो पूर्वोत्तर के इलाके हैं वहां पर जो मामले हैं सबसे ज्यादा देखे जा सकते हैं, चाहे 2020 उठा लो, चाहे 2019, 2018 या 17, यहाँ पर लगातार साल दर साल मामले बढ़ते हैं। हर साल कहा जाता है कि काम किया जा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है, फिर हर बार बेड की कमी, इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ देते हैं, ऐसे मामले क्यों सामने आते हैं? नहीं, न कहीं बेड की कमी है, न इलाज के कम, इलाज की न पाने की वजह से मरीज दम तोड़ रहे हैं, लेकिन ये डेंगू का बुखार जो है कई बार लोगों की अपनी असावधानी के कारण भी कूलर में लोग पानी रह जाता है, या ऐसा आसपास कहीं स्वच्छ पानी इकट्ठा हो रहा है जहाँ जिसमें डेंगू के लार्वा पलते हैं। तो हम सबके जागरूकता की बात है, लेकिन सरकार इन चीजों को, आपने लगातार ये देखा होगा कि इस तरह की जो कैजुअलिटी थी योगी सरकार आने के बाद लगातार उसमें कमी आई है, और ये जो डेंगू का जो ये बुखार कुछ जिलों में देखने को मिल रहा है, इसके पीछे प्राय कारण होता है कि लोग हमारी कुछ असावधानियां होती हैं जिसके कारण इसके लार्वा फैलते हैं, बनते हैं, और ये जब कहीं बरसात के मौसम में जब नमी वातावरण में ज्यादा होती है, ऐसे में स्वच्छ जल कहीं प्लास्टिक में, कहीं कूलर में, कहीं इस तरह की जगह पर जब इकट्ठा होता है तो इस तरह के लार्वा बनते हैं। सरकार पूरी सचेतता के साथ उसके लेकर के भी प्रयत्न कर रही है और लगातार उस तरह की टीमें भी काम कर रही हैं। लेकिन आपकी पार्टी के विधायक जो हैं, जो परिजन हैं, वो मदद मांग रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के विधायक उन्हें दुत्कार रहे हैं। नहीं, कहां का मामला, अगर आप ऐसा कोई मुझे बता दें, जनरल इस तरह से आरोप लगाना मुझे लगता समीति नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं का स्पेसिफिक कोई विषय हो तो आप मुझे बताइए। बिल्कुल हरीश जी, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगी, वीडियो भी भेज दूंगी, और ये मामला फिरोजाबाद का है जहां पर योगी आदित्यनाथ खुद एक्शन ले रहे हैं। वहां पर ऐसा हो रहा है कि विधायक के पैर, एक पिता उसका बच्चा बीमार है, वो विधायक के पैर पड़ रहा है और कह रहा है कि विधायक जी कहते हैं कि आप ऐसा मत करिए, आप खुद ही इस चीज में फंस जाएंगे, ये शब्द कहने लायक है। जहाँ एक तरफ परिवार परेशान है, पिता परेशान है, दूसरी तरफ इस तरह की बातें उनसे कही जा रही है। अगर विधायक कह रहे हैं कि पैर मत पकड़िए पड़िए, तो ये तो सामान्य तौर पर कोई भी पैर पकड़ने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप यहाँ मत झुकिए वरना आप पर भी कोई ना कोई कार्रवाई हो जाएगी। आपको वीडियो भेज दूंगी, आप वीडियो देख लीजिएगा। नहीं ठीक है, इतनी तो उम्मीद मैं करती हूँ कि एक जिम्मेदार, मुझे नहीं लगता एक जिम्मेदार प्रवक्ता है, आप नेता है पार्टी के। हरीश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हरीश जी, मैं चाहती हूं कि आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, एक जिम्मेदार नेता हैं, तो आप इस पर जरूर संज्ञान लीजिएगा। नहीं बिल्कुल, आप वो उसका वो भेजिए, अगर ऐसी कोई बात होगी तो निश्चित रूप से उसको संज्ञान लेगी। चलिए ठीक है हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ में 11 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं और यहाँ पर नोडल अधिकारी अब हर जिले में
तैनात किए जाएंगे ताकि इस बुखार पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल ये बुखार होता हुआ नजर आ रहा है। लोग जो हैं परेशान हो चुके हैं, अपने मासूम बच्चों को लेकर अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, चाहे वो निजी अस्पताल हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं लचर नजर आ रही है। विधायकों के ऐसे रूप नजर आ रहे हैं जिस पर देखकर इंसानियत शर्मसार होती हुई नजर आती है। मथुरा थाना बलदेव क्षेत्र के गांव सुदोई में प्राइवेट ट्यूशन एक 12 साल के बच्चे के साथ ट्यूशन न आने पर इतनी बर्बरता दिखाई कि उसकी मौत हो गई। जी हाँ, इस कदर उसकी पिटाई की गई है जिसमें बच्चे की पहले तो तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन उसकी जान चली गई। तो बताया जा रहा है कि शिवम नाम का ये बच्चा ट्यूशन पढ़ने केशव गौतम के यहाँ जाता था, जिसमें विगत दिनों जो शिवम है उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे भी बुखार हुआ था और वो इस वजह से ट्यूशन नहीं जा सका और शायद उसने फीस भी जमा नहीं करवाई थी। ऐसे में जब वो तीसरे दिन ट्यूशन जाता है तो उससे फीस मांगी जाती है और जब वो इसका जवाब देता है तो उसे जमकर पीटा जाता है, इस कदर पीटा जाता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है और फिर यहां पर जो मासूम है वो दम तोड़ देता है। सर मास्टर ने ढीढ़ ढीढ़ गई है और नीम की मोटर ना तुम्हारो में और लातन तुम्हारो और पेन हाथ में लगाए के मारो और जेते चोट जांगन पाई के काय तुम्हारो तू झंडे में थे ओ जे मोपे वो मोपे का मारो थे पेन लगा के मोम सूजी रो है जे मोपे काय तुम्हारो पेन लग रही हाथ में। अच्छा बात है मारो। श्री संजय पुत्र रामदयाल निवासी ग्राम रदोई थाना बलदेव द्वारा थाने पर आकर सूचना दी गई कि ट्यूशन शिक्षक द्वारा उनके पुत्र को ट्यूशन की फीस समय पर न दिए जाने के कारण मारपीट की गई, जिससे उनके बेटे को काफ़ी चोटें आईं। तत्पश्चात उनके द्वारा बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहाँ पर उपचार के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाने पर तत्काल ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। प्रकरण में साक्ष्य संकलन करते हुए साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये बच्चा जो है ट्यूशन पढ़ने जाता था। अच्छा। गांव के ये केशव सनोब श्यामवीर के वहाँ। अच्छा। उनके घर पे ही ट्यूशन के लिए जाता था तो इसको दो तीन दिन पहले बुखार आया था 29 तारीख से पहले, तो इसको इसके पिता ने दवा दिलवाई थी बाजार से। अब दवा दिलवाने के बाद में जब ये दो तीन दिन नहीं गया तो उसकी एक महीने की फीस 25 तारीख को पूरी हो जाती है, तो फीस भी नहीं पहुंची। जब ये 29 तारीख को सुबह जाता है जब थोड़ा सा आराम मिल जाता है इसको, तो वो जैसे ही जाता है तो उससे पूछता है कि हाँ भाई ये तू दो तीन दिन क्यों नहीं आया था और फीस क्यों नहीं लेके आया। भाई फीस तो पापा देंगे, पर दो तीन दिन मुझे बुखार आ गया था। भाई बुखार आ गया था तो साले हाथ दिखा दूँ। जब हाथ दिखाया तो कुछ जाती सूची शब्द ही बोलने लगा और उसे फिर एक नीम की लकड़ी थी हरी उससे बहुत मारा, जांघों पर सब पे निशान है। तो मथुरा से पूरा मामला सामने आया है जहां पर एक टीचर ने मासूम बच्चे की इस कदर पिटाई की कि मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया। जब इस पूरे मामले में छानबीन की गई तो पता चला है कि जो मासूम है वो दलित समाज से था और जो उसका टीचर था वो सवर्ण समाज से। ऐसे में उसके साथ जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मासूम बच्चे ने मरने से पहले बताया था कि उसे बुरी तरीके से पीटा गया, उसको गाली गलौज उसके साथ की गई है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस में शिकायत तो दर्ज कर ली गई है लेकिन आरोपी टीचर अब तक पकड़ा नहीं गया है, टीचर फरार बताया जा रहा है। तो आप देखिए, जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि मासूम बच्चों की देखरेख की जा रही है, मासूम बच्चों पर अगर अत्याचार होता है तो उन पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक टीचर ही मासूम बच्चे को बुरी तरह से पीट रहा है और इतनी बुरी तरह से पीटा है कि मासूम ने दम ही तोड़ दिया और वहां से टीचर आसानी से फरार हो जाता है। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। दरअसल ये पूरा मामला कल का है, फिलहाल इस पूरे मामले में आज FIR दर्ज की गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन सवाल ये है कि अगर मासूम को बुखार हुआ वो ट्यूशन नहीं गया और जब वो ट्यूशन जाता है ठीक होने के बाद तो उससे पहले तो फीस के लिए पूछा जाता है और जब वो ये कहता है कि फीस तो पापा देंगे तो उसके बाद डंडे से उसे इस कदर पीटा जाता है कि वो दम तोड़ देता है। तो मथुरा का ये पूरा मामला जहां पर पिटाई के दौरान मासूम की मौत हो गई।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।